DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. किस तरीके को लेकर आपने ज्ञापन दिया? हमने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कोचिंग संस्थान को रीओपन करने को लेकर के हमने कुछ सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि 12वीं कक्षा के तक के बच्चों को आप भले ही अलाउ ना करें, बट उसके बाद जो वयस्क विद्यार्थी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर अलाउ करें और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उन्हें ध्यान में लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चलते इंस्टीट्यूट को ओपन किया जा सकता है। और वर्तमान में तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं और वित्तीय संकट एक सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर आ गया है और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात ज़रूर की जा रही है, किंतु बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच नहीं है, टीवी रेडियो की पहुँच नहीं है, तो वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और ये शैक्षणिक संस्थान एक ऐसा भी माध्यम है जहाँ से ज़्यादा लोगों को कोरोना को लेकर के अवेयर कर सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव रहा है मुख्यमंत्री जी से कि आप कोई उचित निर्णय लें और कुछ प्रतिबंधों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में कोचिंग संस्थानों को पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने कहा है कि ज़रूर हम इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और आपके जो सुझाव हैं वो सराहनीय हैं और ज़रूर जो है मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर कोई प्रसंग जान लेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है और मैं वेरियस पाथ्स करियर सॉल्यूशन का डायरेक्टर हूँ।